केसेस नहीं हुए क्या कि है आपने. पनामा? पनामा बेसिकली एक केस है, एक लैंड जो आइलैंड है, आइलैंड का एक केस है. जिस तरह के मालदीव्स आपने देखा होगा, मालदीव्स एक आइलैंड है, इस तरह पनामा भी एक आइलैंड है. तो वो बेसिकली नवाज शरीफ जो है वो उस केस में फंसे हुए हैं पनामा के. पनामा एक आइलैंड है, कहाँ जी ये? मालदीव्स के करीब है ये. जी तो ये कितना दूर है मालदीव से भाई? जाना अच्छा, हुआ है कभी आपका? गूगल तो मैं नहीं करके बता सकती, लेकिन मैं आपको एक अंदाजन 7-8 घंटे, जैसे आप यहाँ से कराची से सखर चले जाएं, कराची से सखर, सखर जाएं, इस तरह मालदीव से अगर जाएं तो पनामा. मालदीव से अगर आप जाएं तो पनामा है. पनामा आ जाएगा. जी, पनामा. तो पनामा एक आइलैंड है, आइलैंड है जी. और उस पर करप्शन क्या की हुई है? 4-5 कंट्रीज है मेरे ख्याल में, मुझे जहां तक याद है कि 4 है. यूक्रेन, युगांडा, चले जो ब्राजील एंड ब्राजील एंड पाकिस्तान. इसके जो 4 प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने अपने मुल्क की जो ब्लैक मनी है उसको उन्होंने अपने मुल्क से निकाला और उसको वो ले गए पनामा, और वहां जाके उन्होंने पनामा आइलैंड को खरीदने की कोशिश की इन 4 प्राइम मिनिस्टर्स ने. और जब उन्होंने टोकन मनी दे दी, पाकिस्तान, नवाज शरीफ ने भी दे दी, नवाज शरीफ ने टोकन मनी दी, बाकी सब ने भी दी अपनी टोकन मनी. जब फाइनल पेमेंट का टाइम आया तो नवाज शरीफ साहब ने जो है वो ये सोचा कि भाई ये पंजाब में जिस तरह मैं ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेता हूँ, या पाकिस्तान में जहाँ जिसका दिल चाहा कब्ज़ा कर लिया, उन्होंने सोचा था मैं कि पनामा में भी कब्ज़ा कर लूँगा. और उन्होंने वहाँ के लोगों को जब धमकाया तो वो तो भड़क गए, उन्होंने केस कर दिया. वो आई हमारी आर्मी के पास, उन्होंने कंप्लेन की नवाज शरीफ की, और उसके बाद नवाज शरीफ को जूते मार के निकाला गया. जी किसने बताया आपको? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मुझे पॉलिटिक्स में भी थोड़ा है इंटरेस्ट, और इतना जरदारी साहब को पसंद करती है. जरदारी साहब को, मैं जरदारी को पसंद कर, बेसिकली मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को पसंद करती है. समझ गया, मैं समझ गया, आप भुट्टो की फैन हैं, जरदारी की भी. और पनामा आपने, मैं एक दफा दोबारा जरा मैं अपनी चीज सही कर लूं. आप ये कह रही हैं जी पनामा की करप्शन ये है कि पनामा कोई आइलैंड था जो मालदीव से तकरीबन 7-8 घंटे दूर है, और वहां पर जो है नवाज शरीफ साहब ने जगह खरीदी और टोकन मनी दी, और फिर क्योंकि बाकी पैसे नहीं दिए फिर पनामा ने केस कर दिया, ये हुआ है. आइलैंड खरीद रहा था पनामा केस.